दिल्ली जाने का समय आ गया है। दिल्ली जाने का समय आ गया है। तेरी फेयरवेल है ना भाई, तेरे लिए ठंडा ठंडा रायता बना है। जा रहे थे दिल्ली, दिल्ली जाके वापस मत आना। पर मैं करूंगा क्या दिल्ली में? जो तुम यहाँ नहीं कर रहे। ये भगवान जी का भोग है। दिल्ली जाने का समय आ गया है, तो मैं जा रहा हूँ एट लास्ट दिल्ली, मतलब ट्रेन से। तो सामान मेरा सारा भार रखा है हॉल में, तो सामान को पैक करते हैं, फिर आपसे मुलाकात करेंगे दोबारा से। तो लेट्स मूव। तो सामान वगैरह अब सब पैक हो गया है, तो अब बारी है निकलने की। और बड़ी मुश्किल से कैब हुई है, क्योंकि स्पेशल ट्रेन चल रही है लेकिन कैब नहीं चल रही। और जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं मड आइलैंड से मीरा रोड आया था और अब मैं जा रहा हूँ दिल्ली। तो मड आइलैंड से मीरा रोड आने का कारण मेरा सिर्फ इतना था कि मेरा एक कुछ सामान रह गया था, मेरा एक बैग रह गया था, तो मैं वो लेने आया था, तो अब मैंने वो ले लिया है। बहुत गर्मी है गाइस, और ये जैकेट जो मैंने पहना हुआ है, ये जैकेट मेरा बहुत फेवरेट है। और दूसरी बात, मैं बस सिर्फ यही था अपने आप को कवर करने के लिए, पूरा ऊपर से कवर हो जाता है, फुल बाजू का है, और इस वजह से मैंने इस गर्मी में ये पहना हुआ है ताकि कोरोना से निपट सकूं इन सब चीजों से। तो कैप पहनना जरूरी है क्योंकि बालों में भी चीजें हो सकती हैं, जैकेट पहनना बहुत जरूरी है, फुल आपको अपना ट्राउजर जीन्स कुछ भी पहनिए। तो मैं भी जा रहा हूँ, कैब वाला नीचे वेट कर रहा है, तो चलते हैं। यात्री कृपया ध्यान दे। मुंबई से चलकर दिल्ली को जाने वाली गाड़ी 5:30 बजे यहाँ से निकल जाएगी। हाँ, लिफ्ट क्या हुआ? लिफ्ट बंद। शिट भाई, मजा यार, मजा कैब वाला नीचे खड़ा है यार, तो चलना यार, लिफ्ट सीढ़ियां टूट गई है क्या? अरे यार, ये क्या सीन है यार? साले ये वाला बैग बहुत भारी है। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ ऐसे। 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक लिफ्ट बंद रहती है। दुख की बात यह है कि हमारा 8वां फ्लोर है और नीचे तक उतरना है। उतरने की बात ठीक है, चढ़ना होता ना।
ये कुछ बोलना चाह रहा है। चलो बाय बाय। इसका मुंह बंद करियो। थैंक यू। बराबर बाय बाय। मैं भी दिल्ली जाऊंगा। सत्यनारायण दीपक अरोड़ा बाय। अभी दिल्ली जाऊंगा। ओके तो अभी हम जा रहे हैं मीरा रोड से मुंबई सेंट्रल, जहाँ से मेरी ट्रेन है दिल्ली के लिए। और मीरा रोड से मुंबई सेंट्रल पड़ता है 45 किलोमीटर्स। और इस सफ़र को तय करने के लिए नॉर्मल डेज में बिफोर द लॉकडाउन इसको लगते थे कम से कम 3 से 3.5 घंटे अगर आप बाय रोड जा रहे हो। और अब लॉकडाउन में मैं ट्रैवल कर रहा हूँ बाय कैब बाय रोड, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम से मैक्सिमम मुझे 15 से 20 मिनट हुए निकले हुए और मैं ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूं। तो आप देख सकते हैं और मेरे सामने सिद्धि विनायक मंदिर है गणपति बप्पा मोरया। ये तो बड़े इत्तेफाक की बात है। उम्मीद नहीं की थी कि मंदिर आ जाएगा सामने। तो बप्पा के भी दर्शन हो गए मुंबई से जाने से पहले। अभी बीच में मुझे पानी लेना है, थोड़ा सामान लेना है, क्योंकि स्टेशन पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है। सब बता दिया था IRCTC की एप्लीकेशन पे कि कुछ भी मिलेगा नहीं आपको, तो आपको खुद ही अपने घर से पानी की बोतल्स, खाना, ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ लेके आना है। तो सब कुछ ले लिया मैंने। सैनिटाइजर यूज करना बहुत जरूरी है, कुछ भी आप काम करके आए, बाहर से जाएं, बाहर से आए, जैसे बताया था मैंने, तो सैनिटाइजर ले दिया है, सर ने दिया है। और धोते जाओ, साफ करते जाओ। सर आपका टिकट खोल के रख लेगा फोन पे, जो बाहर चेक करेंगे ना। तो हम पहुंच चुके हैं मुंबई सेंट्रल, जहां से हमारी ट्रेन है दिल्ली के लिए। मेरा सामान अलग से आ रहा है और मैं अलग से जा रहा हूं। इंस्ट्रक्शन है कि सामान अलग से जाएगा, मैं अलग से जाऊंगा। मेरा सामान उधर से आ रहा है। अपने ट्रॉली के ऊपर बैग को रख लिया है, तो ये लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा।
अभी मैं अपने बर्थ पे हूँ, सबसे ऊपर साइड अपर, जो हमेशा से मुझे वही मिलती है, क्योंकि साइज बड़ा है तो वो जानबूझ के मुझे छोटी बर्थ देते हैं ताकि मैं कंफर्टेबल ना सो पाऊँ। कोई बात नहीं, वो होता है। बात करते हैं अब IRCTC की गाइडलाइंस की, जो टिकट बुकिंग के टाइम पर उन्होंने बताया हुआ था कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, स्क्रीनिंग होगा, टेस्ट होगा, और खाना नहीं मिलेगा अंदर, पानी नहीं मिलेगा। खुद लेके आना पड़ेगा। तो ये सब बोला है IRCTC ने, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बोला, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अरे क्या बच्चे की जान लेगा? मैं मुंबई सेंट्रल आया, मेरी कोई स्क्रीनिंग नहीं हुई। मैंने उससे पूछा कि सर मेरा टेस्ट तो कर लीजिए एक बार, मतलब। तो उन्होंने बोला नहीं, आप सीधा जाइए। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद आने के बाद अंदर देखा मैंने, अब सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, बोला गया था कि एक कंपार्टमेंट, जब जैसे कि ये बर्थ होता है तो एक बर्थ में क्या होता है, जैसे कि ये बर्थ जो है, दिखाता हूँ आपको, ये बर्थ जो है, तो इस बर्थ में आठ लोग बैठते हैं, मतलब आठ लोग पूरा बैठते हैं एक साथ एक कंपार्टमेंट में, और उसमें बोला गया था कि छह लोग बैठेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके, हो सके। पर यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ तो पूरे के पूरे लोग बिल्कुल पहले की तरह बिल्कुल हाउसफुल है, पूरी ट्रेन, ये नहीं, पूरी ट्रेन हाउसफुल है।